अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ईमान पाठक ब्लॉग्स। अच्छा जी, आज मैं आई थी छत पे, हमेशा आती हूँ, तो मैंने सोचा वो लगे कि स्टार्ट कर लेते हैं, कपड़े लगा डालने आई थी तो कपड़े मैंने डाल चुकी हूँ। और मैंने कहा चलो, इतना प्यारा मौसम बना हुआ, रोमांटिक रोमांटिक सा मौसम और इंजॉय करने वाला। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में या मैंने कहीं जाना है, लेकिन बट वहाँ का प्लान हमारा कैंसिल हो गया। अरे कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला जब आपकी किस्मत नसीब में तो आपका प्लान बन ही जाता है। और जी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बताएं कैसे हैं सब, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आई थी छत पर, तो ना हमारा साथ में सामने वाला जो घर है ना, वहाँ पर कुछ बच्चियाँ न्यू आए हैं, आए थे वो गाँव से आए हैं क्या आए, तो ना वो दूसरे के घर में ऐसे कागज जला जला के ना फेंक रही। और मैं ये देख रही कि यार आपकी एक गलती से कितना नुकसान भी हो सकता है, या पता उसके नीचे गीज़र लगा हो या कोई गैस का कनेक्शन हो जिसकी वजह से आग फैल जाए। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की इबादत खुद करें, उन पर नज़र भी रखें ताकि वो छत में कोई किसी उठे काम ना करें। मेरी तरह नहीं, उनकी तरह। तो जी लग स्टार्ट करते हैं। और मौसम बहुत प्यार पड़ा, अभी मैंने जाना है, उठ चुकी हूँ और जहर की नमाज़ करी हूँ। फजर की तो मैं अलहमदिल्ला पढ़ के सोती हूँ, जहर की जो नमाज़ है वो मेरी निकल चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ, जल्दी से नाश्ता वाशा करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं इतना व्लॉग में एडिट करते करते मुझे इतना टाइम हो जाता है कि उठने का दिल ही नहीं करता। तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज कहाँ जाना है, आज कहीं नहीं, आज संडे का एक ग्रैंड फंक्शन की तैयारी करनी है, जहाँ लोगों को बहुत जल्द पता लग जाएगा कौन सा फंक्शन है। तो सर जल्दी से हम लोग तैयारी श्यारी करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं अपने काम के लिए। और आज मेरा ब्रेड अंडा खाने का दिल कर रहा था, पराठे खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो मौसम बड़ा ही कमाल का बना हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हवा है, लेकिन बारिश नहीं है, हवा है और ठंडी अच्छी बात हो रही है। जब ऐसा मौसम बाहर हो तो रूम और ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सर जी स्टार्ट करते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। हम लोगों ने मैंने जाना था अपनी दर्जन की तरफ, कुछ काम था, कुछ कपड़े भी देने थे, कुछ पूछना भी था। सो जल्दी से जाती हूँ उनके तरफ, फिर कराती हूँ। बहुत आप आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। मानूर आज इसकी मैंने कटिंग की, जो इसके इतने ज़्यादा रफ बनते, ये मैंने कटिंग कर ली और ये रहते, ये कैन सीड कितने ज़्यादा इसके नमो वाले थे। और अब ये कटिंग करके थोड़ी बहुत इसकी थोड़ी लुक निकली, लेस कट किए गए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हुए और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हुए। मीन्स के ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा लॉन्ग उतनी कितनी लेंथ है, क्योंकि इसका ज़्यादा बाल कटिंग है। अब मैं बताती हूँ दूसरे स्टेप में कैसे। पहले जो थी आपने स्टेप्स बना लेने हैं इसके, जो बाल जो ये देखिए जी फाइनल कटिंग हो चुकी है और ये महानूर का पफ कट चुका है। और अब इसकी फाइनल लुक उसकी पोनी करके रेडी शेडी होकर करके दिखाती है जी हमानूर महानूर की फाइनल लुक। और इसके हेयर सेट करे, दूसरे भी करे, और ये है इसका पफ कट हुआ, कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह इसके हेयर, है ना। हम जा रहे हैं अचानक से रेडी हमारी खाने के घर जाने के प्रोग्राम में, अब हम जा रहे हैं हो चुके और वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। पकड़ रही है हमारी छोटा सा खाना, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं उठाऊँ। अरे ला कैटी देखने आई हूँ, हाँ कैटी आ जाओ चलो, नहीं 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 कोई नहीं है, चला गया नान अपने घर चला गया। हाँ चुस मिल्ला, ये हमारी मम्मा जी, आज मम्मा ने फेवरेट कलर पहना अपना। और ये है मेरी प्यारी खाला जो से बात आई हूँ कि घर आए ब्लॉग में, ब्लॉग खाने के हो चुका है। और ये बड़ी भाई बाकी डिश आना बाकी। नूर कैसा लगा आपको ये कमरा, ये जी हमारी कज़न जी ने सेटअप किया हुआ है अपना, और यहाँ सेटअप ये इसका है, और ये इसका पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, अमन के नाम आई डोंट नो, बट ये कुछ लगाया हुआ है इसने, जिसको याद नहीं रहता वो यहाँ से देख के याद कर। अच्छा है नॉट बैड, इसमें क्या है पाए अहमद, ये क्या है मुझे पकड़ा रही है ये, और बड़े मज़ेदार चीज़ें लग रही है। ये है गोला कबाब, ये है पुलाव, और ये है निहारी। तो ये देखो ना व्लॉग के पाना, ये है हमारे आज का स्वीट डिश। इसके काम चक्कर है गंदी गए गंदी गए, दादू को पानी का दो नहीं मामा, चलो दादू को पारी भी कर दो ना, पारी करो दादू को पारी करो,
पारी करो कहते पारी कर दादो को जा ले लो चीजी शूटिंग चले। अच्छा जी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग आ चुके हैं खाला के घर से और संडे ही हमारा प्लान बना वहाँ पे जाने का और बहुत टाइम याद गए, बहुत अच्छा भी लगा और हमेशा स्पेशल उन्होंने दावत रखी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। एवरीथिंग बहुत मज़े की थी। सो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, चेंज चुंज करते हैं और बहुत थक चुके हैं, बस हो चुकी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने मात फातमा को सब्सक्राइब करते लाइक करते कमेंट करते सारा प्यार दे एंड आई लव यू।